Assalamu alaikum students, I'm Waseem Ikram. This is the 32nd lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Last time, हमने बात की थी डिजाइन प्रोसीजर पे, डिजाइन मेथड पे. हमने नंबर ऑफ स्टेप्स देखे थे और जिसके तहत हमने काउंटर डिजाइन किया था, एक थ्री इनपुट सिंक्रोनस काउंटर जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड था. उसके बाद हमने वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया था और SR बेस्ड थ्री बिट अप काउंटर डिजाइन किया था. आज इंशाल्लाह उसी भी हम प्रोसीड करेंगे. हम देखेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए वही थ्री बिट काउंटर बनाया जा सकता है और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे अप एंड डाउन काउंटर जो हमने पहले पढ़ा था वो इस डिजाइन प्रोसीजर के तहत कैसे बनाएंगे. सो इससे पहले कि ये सारी चीजें हम पढ़ें, पिछले लेक्चर के जो टॉपिक्स थे उनको जरा रिव्यू कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे डिजाइन स्टेप्स जो हम यूज करते हैं किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए. हमने बात शुरू की थी एक थ्री बिट अप काउंटर को, उसका डिजाइन प्रोसीजर देखा था. हमने कहा था कि सबसे पहला जो काम है आपने एक स्टेट डायग्राम बनाना है जो ऑफकोर्स बता रहा है आपके प्रेजेंट स्टेट्स क्या हैं और नेक्स्ट स्टेट्स क्या हैं. सो हर ट्रांजिशन पे आप एक प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रहे हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेट डायग्राम को हमने चेंज करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है इन टेबुलर फॉर्म. सो स्टेट टेबल आ जाएगा. सो स्टेट टेबल जो एग्जैक्ट वही रिप्रेजेंटेशन है जो कि स्टेट डायग्राम में आपको बता रही है एक सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में. थर्ड जो स्टेप है, हम ये कह रहे हैं कि हमने डिसाइड करना है कि जो सिक्वेंशियल सर्किट है या सिक्वेंशियल जो मशीन है उसको जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें ऑफकोर्स मेमोरी एलिमेंट आएंगे. मेमोरी एलिमेंट बेसिकली क्या होंगे? फ्लिप फ्लॉप्स होंगे. अब फ्लिप फ्लॉप्स में आपके पास चॉइस है, जे के फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, SR हो सकता है, कोई और हो सकता है. सो बेसिकली आपने फ्लिप फ्लॉप डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो स्टेट है, जो प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, वो डिपेंड कर रही है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया. सो लेट्स से जे के फ्लिप फ्लॉप है, उसका जो आउटपुट है वो हम बता रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट है. जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो जाएगा क्लॉक ट्रांजिशन पे, नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा. नेक्स्ट स्टेट पे कैसे जाएगा डिपेंड करता है कि इनपुट कंडीशंस क्या हैं. सो इसलिए हमने ये कहा था कि जो तीसरा स्टेप है, आपने जो भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उसका एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे. ट्रांजिशन टेबल ऑफकोर्स यही बता रहा है कि आपका प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, तो इसको चेंज करने के लिए, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए इनपुट कंडीशंस क्या होंगे. सब ट्रांजिशन टेबल की मदद से और जो स्टेट टेबल की मदद से आप एक जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल बनाएंगे या SR फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल बनाएंगे या डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल बनाएंगे. उसमें ऑफकोर्स वो प्रेजेंट स्टेट्स आ रही हैं और नेक्स्ट स्टेट्स आ रही हैं और जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं वो सारी कॉम्बिनेशन आपके पास आ रही हैं. नेक्स्ट जो स्टेप है, बेसिकली आपने अब आपके पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन आ गई किसी भी फ्लिप फ्लॉप की, उनको आपने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है. अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के फॉर्म में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे उससे पहले आपको जरूरी है कि आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन हो. बुलियन एक्सप्रेशन कैसे आप डिटर्मिन करते हैं? बेसिकली आपने कार्नफ मैथ यूज करने. सो जो भी जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल में इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स की, जे कॉलम और के कॉलम, उन सारों को आपने डायरेक्टली मैप करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएंगे. बुलियन जब एक्सप्रेशंस आती हैं उनकी मदद से आप डायरेक्टली एक सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इस कॉम्बिनेशन सर्किट की जो आउटपुट है वो आप कनेक्ट करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे. सो लेट्स से तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो आपके पास छह डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशंस आएंगे. उन छह बुलियन एक्सप्रेशन से आप छह कॉम्बिनेशन सर्किट्स इंप्लीमेंट करेंगे और वो रिस्पेक्टिव जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा. लास्ट जो स्टेप है बेसिकली आपकी इम्प्लीमेंटेशन है. इम्प्लीमेंटेशन में ऑफकोर्स फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स बनाए ये आप जोड़ देंगे तो आपका एक काउंटर या कोई सिक्वेंशियल जो मशीन है वो तैयार हो जाएगी. उसके बाद आप डेफिनेटली इसको वेरीफाई कर सकते हैं टाइमिंग डायग्राम के थ्रू, बुलियन एक्सप्रेशन जो आपके पास आई है. लास्ट लेक्चर में हमने जे के फ्लिप फ्लॉप की मदद से एक थ्री बिट काउंटर बनाया था. उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर SR फ्लिप फ्लॉप आप यूज करें उसकी मदद से अगर काउंटर बनाना हो तो वो कैसे होगा. बेसिकली स्टेट डायग्राम वही होगा, स्टेट टेबल भी वही होगा. SR फ्लिप फ्लॉप क्योंकि यूज करना है सो SR फ्लिप फ्लॉप के ट्रांजिशन टेबल आपको आने चाहिए, वो आपने यूज करने हैं जिसकी मदद से आप SR इनपुट टेबल बनाएंगे. जब वो टेबल आ जाएगा अगेन आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आएंगी तो वो कैसे आएंगी? बेसिकली कार्नफ मैप्स यूज करने हैं. कार्नफ मैप्स की मदद से आपके पास SR इनपुट्स के लिए बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू ए कॉम्बिनेशन सर्किट और फाइनली आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होगी थ्री बिट अप काउंटर की जो कि SR फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहा है. आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि वही थ्री बिट काउंटर जो है उसको अगर डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे. बात बड़ी सिंपल सी है. स्टेट डायग्राम अगेन वही होगा, स्टेट टेबल भी आइडेंटिकल होगा. अब बजाय कि आप जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल यूज करें या SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल यूज करें, आपने डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल यूज करना है. डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल बड़ा सिंपल है क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप के दो ही इनपुट हैं, जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा, इनपुट वन है तो आउटपुट भी वन होगा. आपके पास जब ट्रांजिशन टेबल आ जाएगा उसकी मदद से आपने जो स्टेट टेबल है उसको यूज करना है और एक डी इनपुट टेबल आ जाएगा. डी इनपुट टेबल आएगा क्योंकि थ्री बिट काउंटर है तो तीन आपने डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं. तो आपके पास तीन कॉलम्स आएंगे जिनमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर ईच डी इनपुट. आप क्या करना है, इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है कार्न ऑफ मैप से. कार्न ऑफ मैप्स के बाद आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो आइए ये सारे स्टेप्स देखते हैं. हम देखते हैं कि ट्रांजिशन टेबल क्या है, उसके बाद डी इनपुट टेबल बनाते हैं, कार्न ऑफ मैप्स देखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन तक देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी.
आइए देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल। डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल काफी सिंपल सा है, इसका एक ही इनपुट है, या 0 होगा या 1 होगा। सो अगर डी इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट जो है क्यू टी प्लस 1 वो भी 1 होगा। अगर डी इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट जो है क्यू टी प्लस 1 वो भी 0 होगा। अब देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टेबल। बेसिकली ये जो डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टेबल है ये हम बना रहे हैं स्टेट टेबल को यूज करते हुए और डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल यूज करते हुए। सो अगेन पहले जो 6 कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट को और नेक्स्ट स्टेट को। क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो जो है स्टेट वेरिएबल्स हैं। सो पहले 3 कॉलम्स जो है वही प्रेजेंट स्टेट्स बता रहे हैं 000 से लेके 111 तक, और नेक्स्ट जो 3 कॉलम्स हैं वो नेक्स्ट स्टेट को बता रहे हैं। सो 000 अगर प्रेजेंट स्टेट है वो चेंज हो जाएगी 001 पे, और इसी तरह अगर 111 प्रेजेंट स्टेट है वो क्लॉक ट्रांजिशन पे चेंज हो जाएगी 000 पे। अब आखिरी जो 3 कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को। सो क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं क्योंकि 3 बिट काउंटर है, सो डी टू इनपुट, डी वन इनपुट और डी जीरो इनपुट जो है वो 3 फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट बता रहे हैं। सो अगेन अगर देखा जाए पहली रो में जब प्रेजेंट स्टेट 000 है क्लॉक ट्रांजिशन पे पहली स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है 001 पे। सो डी टू इनपुट क्या होना चाहिए, बेसिकली 0 होना चाहिए। सो डी टू का जो कॉलम है बेसिकली वो एक्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो कि क्यू टू नेक्स्ट स्टेट के कॉलम में है। इसी तरह डी वन और डी जीरो के जो कॉलम्स हैं उनमें एक्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन है जो क्यू वन और क्यू जीरो स्टेट वेरिएबल नेक्स्ट स्टेट के जो है उनमें इन्फॉर्मेशन है। डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल में अब हमारे पास डी टू डी वन और डी जीरो जो 3 फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और इनको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। सो बेसिकली 3 काइंड ऑफ मैप्स यूज होंगे, एक डी टू के लिए, एक डी वन इनपुट के लिए और एक डी जीरो इनपुट के लिए। मैपिंग अगेन उसी तरह होगी, 3 वेरिएबल्स हैं क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो, इनपुट स्टेट जो है या प्रेजेंट स्टेट जो है उसको देखते हुए ये आप डी टू को पहले मैप करेंगे, फिर डी वन को मैप करेंगे और फिर डी जीरो को मैप करेंगे। डी टू की जो बुलियन एक्सप्रेशन आ रही है वो है क्यू टू एक्सक्लूसिव और क्यू वन एंड क्यू जीरो। डी वन की जो बुलियन एक्सप्रेशन आ रही है वो है क्यू जीरो एक्सक्लूसिव और क्यू वन, और इसी तरह डी जीरो इनपुट की जो बुलियन एक्सप्रेशन आ रही है वो क्यू नॉट बार है। अभी हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे, हम बनाना चाह रहे हैं एक 3 बिट काउंटर डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए। सो वही स्टेट टेबल से शुरू किया और एंड हम पहुंच गए कार्न ऑफ मैप्स पे, जहां से हमें 3 बुलियन एक्सप्रेशन मिल गई डी टू इनपुट के लिए, डी वन इनपुट के लिए और डी जीरो इनपुट के लिए। अब हमने क्या करना है, बेसिकली आखिरी स्टेप पे हम पहुंच गए, हमने इंप्लीमेंट करना है। सो 3 डी फ्लिप फ्लॉप होंगे जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आई हैं उनकी मदद से एक सर्किट बनाएंगे, उन सर्किट्स का आउटपुट जो है तीनों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम, उसके बाद टाइमिंग डायग्राम की मदद से वेरीफाई करते हैं कि ये सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, मतलब इससे 3 बिट काउंटर या कुछ और काम कर रहा है। सो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम उसका टाइमिंग डायग्राम। आइए देखें 3 बिट काउंटर का सर्किट डायग्राम जो कि डी फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से बनाया गया। 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स दिखाए गए, इन सारों के जो क्लॉक इनपुट सिग्नल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि सिंक्रोनस सर्किट है। सो हर नेगेटिव ट्रांजिशन पे ये डी फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेंगे, डिपेंड करता है इनके इनपुट्स पे क्या एक्सप्रेशन है या क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। आइए देखते हैं फ्लिप फ्लॉप 1 को। फ्लिप फ्लॉप 1 की अगर बुलियन एक्सप्रेशन देखें, डी जीरो इनपुट जो है वो कनेक्ट हुआ है क्यू जीरो बार के साथ। सो जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया, क्यू जीरो बार जो है वो कनेक्ट हो रहा है डी जीरो इनपुट के साथ। फ्लिप फ्लॉप 2 को देखते हैं, फ्लिप फ्लॉप 2 का जो डी वन इनपुट है वो कनेक्ट हुआ है एक एक्सक्लूसिव और गेट के आउटपुट के साथ। अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन को देखें, डी वन की बुलियन एक्सप्रेशन जो है क्यू नॉट एक्सक्लूसिव और क्यू वन, सो बेसिकली एक्सक्लूसिव और जो गेट है वो क्यू नॉट आउटपुट, बेसिकली जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको और जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट को एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन की मदद से एक आउटपुट जनरेट कर रहा है जो कि डी वन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह अगर तीसरे फ्लिप फ्लॉप को देखें, डी टू की जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है क्यू टू एक्सक्लूसिव और क्यू वन एंड क्यू नॉट। सो जैसा कि फ्लिप फ्लॉप 3 के ऊपर नजर आ रहा है, एक एक्सक्लूसिव और गेट है और एक एंड गेट है। एंड गेट को अगर पहले देखें, उसके दो जो इनपुट्स हैं वो कनेक्ट हुए हैं क्यू नॉट और क्यू वन को। एंड गेट का जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ है एक्सक्लूसिव और के एक इनपुट के साथ, दूसरा जो इनपुट है एक्सक्लूसिव और का वो है क्यू टू के साथ कनेक्टेड। सो आउटपुट जो है एक्सक्लूसिव और गेट की वो कनेक्ट हुई हुई है डी टू इनपुट के साथ। अब यही देखते हैं कि ये सर्किट काम कैसे करते हैं टाइमिंग डायग्राम की मदद से। टाइमिंग डायग्राम में ऑफ कोर्स काउंट सीक्वेंस दिखाया गया है। इनिशियली जो काउंटर है वो 000 पे सेट है, क्लॉक ट्रांजिशन पे 1 काउंट कर लिया, फिर दोबारा जो क्लॉक ट्रांजिशन हुआ 2 हो गया, फिर 3 4 एंड सो ऑन, जब 7 पे पहुंचता है उसके बाद दोबारा से रिसाइकल होकर 000 काउंट पे पहुंच जाता है। क्यू जीरो आउटपुट को देखें तो वो टॉगल कर रहा है 0101 के दरमियान। अगर पहले फ्लिप फ्लॉप की बुलियन एक्सप्रेशन देखें, डी जीरो इनपुट जो है क्यू जीरो बार के साथ कनेक्टेड है। सो इनिशियल स्टेट पे जब क्यू जीरो आउटपुट जो है वो 0 है, सो क्यू जीरो बार आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। अब ये क्योंकि डी 0 के साथ कनेक्टेड है, सो जो ही नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन होगी, डी इनपुट क्योंकि 1 है आउटपुट भी 1 हो जाएगा। जब क्यू नॉट 1 हो जाएगा, क्यू नॉट बार जो है वो 0 हो जाएगा। अब क्यू नॉट बार क्योंकि डी इनपुट के साथ कनेक्टेड है, सो नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन में इनपुट जो है 0 हो गया होगा, सो नेक्स्ट ट्रांजिशन पे आउटपुट भी 0 हो जाएगा। सो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो 0 एंड 1 में टॉगल कर रहा है। एक्सप्रेशन जो है डी 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट बार।
अब आइए देखते हैं Q1 आउटपुट जो कि दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है। दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट डिटरमिन हो रहा है इनपुट एक्सप्रेशन D1 इज इक्वल टू Q0 एक्सक्लूसिव और Q1। आइए देखते हैं टाइम इंटरवल T2 पे Q1 आउटपुट 0 से 1 कैसे स्विच कर रहा है। T2 क्लॉक इंटरवल पे जब क्लॉक का ट्रांजिशन होता है उससे पहले Q0 आउटपुट जो है वो 1 है, Q1 आउटपुट जो है वो 0 है। अब एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट जो है जो कि D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी 1 होगा। सो बेसिकली दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका D1 इनपुट 1 पे है, सो जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई T2 पे आउटपुट भी इसका 1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें T2 इंटरवल पे Q2 आउटपुट जो है वो 0 से 0 रह रहा है, D2 जो इनपुट है उसकी बुलियन एक्सप्रेशन है Q2 एक्सक्लूसिव और Q1 Q0। अब Q0 और Q1 जो है वो है 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली, सो एंड प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा। Q2 भी 0 है, सो 0 एक्सक्लूसिव और 0 आउटपुट हो गया 0। सो D2 इनपुट जो है वो 0 है एट इंटरवल T2। सो T2 पे जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई आउटपुट जो है चेंज नहीं होगा, 0 पहले था 0 बाद में भी रहेगा। अब T4 पे अगर आप देखें T4 पे D2 इनपुट जो है वो 1 हो जाता है। क्यों? Q0 Q1 जो है दोनों 1 है, सो एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। Q2 जो है वो 0 है, सो 0 एक्सक्लूसिव और 1 जो है आउटपुट 1 होगा। सो D2 इनपुट जो है वो 1 पे है। सो T4 पे जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप 2 नजर आ रहा है उसका आउटपुट जो है Q2 वो 0 से 1 पे चेंज हो जाएगा। अभी हमने देखा एक 3 बिट अप काउंटर जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से बनाया। इसका हमने सर्किट डायग्राम देखा, इसका टाइमिंग डायग्राम देखा, उसको वेरीफाई भी किया ये प्रॉपरली एज ए 3 बिट काउंटर अप काउंटर काम कर रहा है। आइए आप देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सर्किट, बेसिकली एन अप एंड डाउन काउंटर। अप एंड डाउन काउंटर जैसे हमने पहले पढ़ा था एक 3 बिट काउंटर हमने बनाया था जो एक वक्त में या तो अप काउंट कर रहा होगा या डाउन काउंट करेगा। अब ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि अप काउंट करे या डाउन काउंट करे, बेसिकली हमें चाहिए एक एक्सटर्नल इनपुट। सो लेट अस सपोज कि वो एक्सटर्नल इनपुट अगर हम 1 पे सेट कर दें तो ये जो 3 बिट काउंटर है ये अप काउंट करना शुरू कर दे। सो 00 स्टेट से शुरू होगा, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, ऑल द वे अप टू 7। 7 पे जब जाएगा रिसाइकल होकर दोबारा से 0 पे पहुंचेगा, उधर से दोबारा से अपना सीक्वेंस जो है अप काउंट का वो रिपीट करता जाएगा। अब अगर हमने डाउन काउंट करवाना है सो बेसिकली जो एक्सटर्नल इनपुट है उसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो ये डाउन काउंट सीक्वेंस जो है उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सपोज अगर ये स्टेट 2 पे है तो डाउन काउंट से नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो 1 होगी, उसके बाद 0 पे आ जाएगा, उसके बाद ये 7 पे चला जाएगा, फिर 6, 5, 4 एंड इसी तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा। जब ये 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर लेट्स से बीच में कहीं पहुंचा हुआ है और उस वक्त अगर आप एक्सटर्नल इनपुट चेंज कर देते हैं तो इसका जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसमें। सो बेसिकली इसका स्टेट डायग्राम कैसा होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे कि आपको समझ में आ रहा है 3 बिट काउंटर है तो 8 स्टेट्स होंगी 000 से लेके 111 तक। सो आपके पास 8 सर्कल्स होंगे, हर सर्कल जो है एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरोज जो है दो टाइप के होंगे क्योंकि अप काउंट भी कर रहा है और डाउन काउंट भी कर रहा है। सो जब अप काउंट कर रहा है तो 000 स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट होगी, 001 जो है वो नेक्स्ट स्टेट होगी। सो एक एरो जो है वो लीड कर रही होगी 000 स्टेट से 001 की तरफ। अगर आप ये डाउन काउंट कर रहे हैं तो 001 जो है वो प्रेजेंट स्टेट कंसीडर की जाएगी और 000 जो है वो नेक्स्ट स्टेट कंसीडर की जाएगी। सो अगेन एक दूसरी एरो होगी जो 001 स्टेट से 000 स्टेट की तरफ जा रही होगी। अब कंडीशंस भी हमने बताने हैं, 000 से 001 स्टेट पे कब जाएंगे डिपेंड करता है एक्सटर्नल इनपुट पे। सो अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर एक्स जो है एक्सटर्नल इनपुट है वो 0 है तो अप काउंट करेगा, तो उस एरो के साथ हम एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे। और इसी तरह जब डाउन काउंट करने के लिए एक्सटर्नल इनपुट एक्स इक्वल टू 1 है तो वो उल्टा चलेगा। सो जो दूसरी एरो है जो स्टेट 1 से स्टेट 0 की तरफ जा रही है एक्स इक्वल टू 1 उधर लिख देंगे। तो आइए देखते हैं इसका अप एंड डाउन काउंटर का स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा। आइए देखते हैं स्टेट डायग्राम ऑफ ए 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है 8 स्टेट्स दिखाई गई हैं 000 से लेके 111 तक। जब आप इस सर्किट को कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो अप काउंट करे तो एक्सटर्नल इनपुट जो है उसको एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो एक्स इक्वल टू 0 जब होगा तो स्टेट 000 से मूव करेगा या चेंज करेगा नेक्स्ट स्टेट पे 001। तो एक डायरेक्टेड एरो दिखाया गया जो 000 स्टेट से 001 की तरफ जा रहा है और उसके साथ एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ। नेक्स्ट जो है जब 001 पे चेंज हो गया तो 001 जो है प्रेजेंट स्टेट कंसिडर की जाएगी। क्लॉक ट्रांजिशन हुआ तो 001 से 010 पे उस वक्त मूव करेगा जब एक्स इक्वल टू 0 है। अगर ये 001 स्टेट पे है और एक्सटर्नल इनपुट x इक्वल टू 1 हो गया तो ये वापस डाउन काउंट करेगा और मूव कर जाएगा स्टेट 000 पे। सो आपको हर दो स्टेट्स जो हैं वो नजर आ रही हैं कनेक्टेड थ्रू टू डायरेक्टेड एरोस। एक जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो है उसके साथ इनपुट कंडीशन लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है उसके साथ भी इनपुट कंडीशन लिखा हुआ है x इक्वल टू 1। अभी हमने देखा एक 3 बिट अप डाउन काउंटर का स्टेट डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप जैसे हमें मालूम है इस स्टेट डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास अगेन प्रेजेंट स्टेट होंगी जो 8 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट स्टेट जो है उधर थोड़ा सा चेंज होगा। बेसिकली हमारे पास दो किस्म के नेक्स्ट स्टेट्स आ रही हैं,
एक नेक्स्ट स्टेट आएगी जब x इक्वल टू जीरो और दूसरी नेक्स्ट स्टेट जो आएगी जब एक्सटर्नल इनपुट x इज इक्वल टू वन। सो आइए देखते हैं जो स्टेट टेबल है वो कैसे होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए जब एक्सटर्नल इनपुट या जीरो है या वन। डायग्राम में एक नेक्स्ट स्टेट टेबल दिखाया गया फॉर थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर। नौ कॉलम्स हैं, पहले तीन कॉलम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट को। सो तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं Q2, Q1, Q0। सो पहली रो में पहली स्टेट है 000, आखिरी रो में आखिरी स्टेट है 111। नेक्स्ट जो तीन कॉलम हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट जब x इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एक्सटर्नल जो इनपुट है वो जीरो पे सेट हुआ हुआ है। सो उस केस में काउंटर जो है अप काउंट करता है। सो प्रेजेंट स्टेट 000 के लिए जब x इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट स्टेट होगी 001। सिमिलरली अगर प्रेजेंट स्टेट 001 है x इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट स्टेट जो होगी 010। आखिरी अगर रो में देखें प्रेजेंट स्टेट अगर 111 है x इक्वल टू जीरो जो इंटरनल एक्सटर्नल इनपुट है उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेट जो होगी 000 होगी। अगर आप आखिरी तीन कॉलम्स को देखें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट जब एक्सटर्नल इनपुट जो है x इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स डाउन काउंट कर रहा है। सो पहली रो में अगर आप देखें प्रेजेंट स्टेट है 000, जब x इज इक्वल टू वन नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 111, ये उल्टी डायरेक्शन में काउंट कर रहा है। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट 001 है x भी 1 है सो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो 000 होगी जैसा कि आखिरी तीन कॉलम्स में सेकंड रो में दिखाया गया। इसी तरह अगर आप आखिरी स्टेट को देखें प्रेजेंट स्टेट जो है 111 है x इनपुट जो है वो भी 1 है सो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी बेसिकली 7 से 6 की तरफ मूव करेगा। सो आखिरी तीन कॉलम्स में आखिरी रो में 110 दिखाया गया। अभी हमने देखा स्टेट टेबल बेसिकली जो कि स्टेट डायग्राम से एग्जैक्टली हमने बनाया है, तो टेबुलर फॉर्म है स्टेट डायग्राम की। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा तीन कॉलम्स डाले हैं क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट जो है वो या एक्स इज इक्वल टू जीरो या एक्स इज इक्वल टू वन, सो दोनों डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली हमने एक जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल बनाना है। हम इस काउंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप, हम कोई और भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते थे पर जे के फ्लिप फ्लॉप की मदद से हमने पहले भी बनाया था तो उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। एंड में हम देखेंगे कि जो हमारे पास थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर आ रहा है वो क्या वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था या बनाया था। तो जो जे के इनपुट फ्लिप फ्लॉप टेबल जो है अगेन दो टेबल्स आएंगे, एक जो टेबल होगा वो होगा एस एक्स इज इक्वल टू जीरो इनपुट के लिए और जो दूसरा टेबल होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू वन इनपुट के लिए। अब हमारे पास दो टेबल्स आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगी जो तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं जे के फ्लिप फ्लॉप्स, सो जे टू के टू जे वन के वन और जे जीरो के जीरो, उसके लिए हमने बुलियन एक्सप्रेशन निकालनी है सिंप्लीफाई करनी है, उनकी मदद से हम एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएंगे और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो हम देखते हैं जो जे के इनपुट के दो जो टेबल आ रहे हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो कंडीशन के लिए और एक्स इज इक्वल टू वन कंडीशन के लिए, उसके बाद हम कान ऑफ मैप्स भी देखते हैं कि इन सारे इनपुट्स को सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं और हमारे पास जो सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आ रही है वो क्या है। सो आइए देखते हैं ये टेबल्स। आइए पहले देखते हैं हम जे के फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टेबल फॉर एक्सटर्नल इनपुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये टेबल उसी तरह जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले तीन कॉलम्स जो है प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्री कॉलम्स जो है वो नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब x इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स काउंटर जो है अप काउंट कर रहा है। सो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स हैं, नेक्स्ट स्टेट्स हैं, तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं, तीन जे के फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं। सो हमें मालूम करनी है एक्सप्रेशंस या इनपुट कंडीशंस फॉर द थ्री फ्लिप फ्लॉप्स। सो जे टू के टू जो है इनपुट हैं एक फ्लिप फ्लॉप के लिए, जे वन के वन जो है इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए और जे जीरो के जीरो इनपुट हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए। इन छह कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन कैसे लिख रहे हैं, जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके ट्रांजिशन टेबल की मदद से, जो ट्रांजिशन हो रही हैं उनके थ्रू हम इस इन छह कॉलम्स को फिलअप कर रहे हैं। दूसरा जो जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल दिखाया गया ये है फॉर एक्सटर्नल इनपुट व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, जब एक्स वन होगा तो काउंटर जो है डाउन काउंट करेगा। सो जैसा कि दिखाया गया टेबल में प्रेजेंट स्टेट जो है 000 से लेके 111 तक जा रही है, नेक्स्ट स्टेट के जो तीन कॉलम्स हैं वो दिखा रहे हैं फर्स्ट स्टेट 000 के लिए काउंट कर जाता है 111 पे और जब प्रेजेंट स्टेट 111 है तो ये काउंट कर जाता है 110 पे, सो बेसिकली डाउन काउंट कर रहा है। आखिरी जो छह कॉलम्स हैं वो बेसिकली बता रहे हैं तीन फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट कंडीशंस जब ये काउंटर डाउन काउंट कर रहा हो या जब एक्स इज इक्वल टू वन। सो जे टू के टू इनपुट कंडीशंस बता रहे हैं पहले फ्लिप फ्लॉप के, जे वन के वन इनपुट कंडीशंस बता रहे हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप के, जे जीरो के जीरो इनपुट कंडीशंस बता रहे हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप के। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई वो वही जो है स्टेट टेबल और जे के फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल की मदद से। अब जो जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल्स जो दो हमने बनाए थे, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो दूसरा जो था एक्स इज इक्वल टू वन, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने काइंड ऑफ मैप में मैप करना है और सिंप्लीफाई करना है। जो दो काइंड ऑफ मैप्स दिखाए गए जे जीरो के लिए और के जीरो के लिए बेसिकली फोर वेरिएबल काइंड ऑफ मैप्स हैं। फोर वेरिएबल्स जो हैं उनमें से क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो वो तो स्टेट वेरिएबल्स हैं और एक एक्स जो है चौथा वेरिएबल, एक्स बेसिकली वही एक्सटर्नल इनपुट है।
सो दो टेबल्स में x इज इक्वल टू जीरो के लिए इन्फॉर्मेशन है और दूसरे में x इज इक्वल टू वन के लिए इन्फॉर्मेशन है. तो अगर दोनों टेबल्स की इन्फॉर्मेशन इस फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप में डाल दी जाए तो आपके पास j जीरो के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगी. और इसी तरह k जीरो जो कॉलम है पहले टेबल में और दूसरे टेबल में, उन सारी की इन्फॉर्मेशन इस फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप में डाल दें तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी, बुलियन एक्सप्रेशन k जीरो इनपुट के लिए. सो दो जो बुलियन एक्सप्रेशन आ रही है, j जीरो जो है इट इज इक्वल टू वन, सिमिलरली k जीरो जो इनपुट है वो भी वन है. इसी तरह दूसरे दो कार्नोफ मैप्स दिखाए गए हैं J1 के लिए और K1 के लिए, दोनों अगेन फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप्स हैं. तीन वेरिएबल्स जो हैं स्टेट वेरिएबल्स हैं Q2, Q1, Q0, चौथा जो है एक्सटर्नल इनपुट है X. सो दोनों जो J के इनपुट टेबल्स हैं, एक जो है X इज इक्वल टू जीरो और दूसरा जो है X इज इक्वल टू वन, उनमें से जो भी इन्फॉर्मेशन है J1 के लिए और K1 के लिए वो कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों K मैप्स में मैप कर दिए. जब आप कार्नोफ मैप्स को सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपके पास दो बूलियन एक्सप्रेशन आ रही है, सो J1 के लिए आ रही है एक्सप्रेशन Q0 X बार प्लस Q0 बार X, और इसी तरह K1 के लिए K1 इनपुट जो है दूसरा फ्लिप फ्लॉप उसकी जो एक्सप्रेशन आ रही है Q0 X बार प्लस Q0 बार X. फाइनली हमको जो है J2 कॉलम और K2 कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन है दोनों J के इनपुट टेबल्स की, जहां X इज इक्वल टू जीरो एंड X इज इक्वल टू वन, वो हमने मैप करनी है. सो अगेन फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप्स यूज कर रहे हैं. J2 की जो बूलियन एक्सप्रेशन बन रही है सिंप्लीफाई होकर वो है Q1 Q0 X बार प्लस Q1 बार Q0 बार X, और इसी तरह K2 इनपुट जो एक्सप्रेशन बन रही है वो है Q1 Q0 X बार प्लस Q1 बार Q0 बार X. अभी हमने देखी छह बुलियन एक्सप्रेशंस जो बता रही हैं इनपुट कंडीशंस J2 K2, J1 K1, J0 K0, जो कि तीन J के फ्लिप फ्लॉप्स हैं. ये हमारे पास कैसे आए, बेसिकली हमारे पास दो इनपुट टेबल्स हैं, एक X इज इक्वल टू जीरो के लिए और एक X इज इक्वल टू वन के लिए. उधर से जो इन्फॉर्मेशन हमने मैप की छह कार्नोफ मैप्स में, जो कि फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप्स हैं, तीन जो वेरिएबल्स हैं Q2, Q1, Q0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल और एक X जो वेरिएबल है वो है एक्सटर्नल इनपुट. हमारे पास जो छह एक्सप्रेशन आ गई इनसे ऑफकोर्स वही हम कॉम्बिनेशन सर्किट इम्प्लीमेंट करना है. ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स होंगे इनका जो आउटपुट है कॉरेस्पॉन्डिंग जे के इनपुट के साथ कनेक्ट होगा और हमारा अल्टीमेटली एक अप एंड डाउन थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर बन जाएगा. यही देखते हैं थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर का सर्किट डायग्राम और उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले भी बनाया हुआ. तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये एक्जैक्टली वही आएगा जो पहले हमने देखा था. यही देखते हैं थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन को. तीन जे के फ्लिप फ्लॉप ऑफ कोर्स यूज करने हैं जो कि तीन स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू टू को. तीनों के क्लॉक इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये सिंक्रोनस सर्किट है. सो जो ही क्लॉक ट्रांजिशन होगा तीनों फ्लिप फ्लॉप्स अपनी स्टेट चेंज करेंगे, डिपेंड करता है कि इनके जे के इनपुट्स पे क्या कंडीशन है. आइए देखते हैं पहले फ्लिप फ्लॉप को, फ्लिप फ्लॉप वन. अगर आप इसकी बुलियन एक्सप्रेशन देखें जे जीरो जो है इट इज इक्वल टू वन और के जीरो जो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू वन. सो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जे जीरो इनपुट और के जीरो इनपुट दोनों को वन के साथ परमानेंटली कनेक्ट किया गया. जैसे कि आपको मालूम है जे के इनपुट अगर दोनों वन पे कनेक्ट हो तो हर क्लॉक ट्रांजिशन पे ये टॉगल करेगा, जैसा कि फ्लिप फ्लॉप वन को करना चाहिए. अब आइए देखें फ्लिप फ्लॉप टू के इनपुट्स को. फ्लिप फ्लॉप टू के इनपुट्स जे वन एंड के वन, जे वन की बुलियन एक्सप्रेशन जो है क्यू जीरो एक्स बार प्लस क्यू जीरो बार एक्स, और इसी तरह के वन की जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो भी एक्जैक्टली वही है क्यू जीरो एक्स बार प्लस क्यू जीरो बार एक्स. सो जे के इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं. फ्लिप फ्लॉप वन के ऊपर जो एक एंड गेट दिखाया गया है इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है Q0 X बार एक्सप्रेशन को, और जो फ्लिप फ्लॉप 1 के नीचे एंड गेट दिखाया गया वो बेसिकली उसके आउटपुट पे जो एक्सप्रेशन आ रही है वो है Q0 बार X. अब इन दोनों का आउटपुट जो है एक और गेट के थ्रू कनेक्टेड है, और गेट का आउटपुट जो है सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है उसके J के इनपुट के साथ कनेक्टेड है. सो और गेट जो है Q0 X बार को और कर रहा है Q0 बार X के साथ. अब आइए देखते हैं फ्लिप फ्लॉप 3 को कि वो बाकी सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट किया गया. फ्लिप फ्लॉप 3 के जो दो इनपुट्स हैं J2 एंड K2 वो आपस में कनेक्टेड हैं. J2 और K2 की अगर बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो वो आइडेंटिकल है. सो J2 या K2 की जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है Q1 Q0 X बार प्लस Q1 बार Q0 बार X. अगर आप फ्लिप फ्लॉप 2 के ऊपर जो एंड गेट है उसको देखें, ये बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है बुलियन एक्सप्रेशन Q1 Q0 X बार, और फ्लिप फ्लॉप 2 के नीचे वाला जो एंड गेट है वो इंप्लीमेंट कर रहा है बुलियन एक्सप्रेशन Q1 बार Q0 बार X. अब इन दोनों एंड गेट्स का जो आउटपुट है वो एक और गेट के थ्रू कनेक्ट हुआ है, और गेट का आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप 3 के J2 और K2 इनपुट के साथ कनेक्टेड है. सो ये जो और गेट है ये बेसिकली एक बुलियन ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ऊपर वाले एंड गेट के आउटपुट के साथ और नीचे वाले एंड गेट के आउटपुट के साथ. सो ऊपर वाला एंड गेट जो है उसका आउटपुट है Q1 Q0 X बार, और नीचे वाला जो एंड गेट है उसका आउटपुट है Q1 बार Q0 बार X. अभी हमने एक देखा सर्किट डायग्राम थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर का. अगर इस सर्किट डायग्राम को आप कंपेयर करें जो हमने शुरू में एक बनाया था थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर, तो दोनों सर्किट ऑफ कोर्स आइडेंटिकल आपको नजर आएंगे. सो दिस इंडिकेट्स कि ये जो हमने डिजाइन स्टेप्स हमने यूज किए थे उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है जो सर्किट की फॉर्म में वो एक्जैक्टली वही है जो थ्री बिट अप एंड डाउन सर्किट होता है और जो पहले हमने एक डिफरेंट तरीके से पहले बनाया था. आइए अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, स्टेट रिडक्शन.
बेसिकली कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट है उसका हमने पहले कहा था जो पहला स्टेप है अपने एक स्टेट डायग्राम के थ्रू बताना है कि वो कैसे काम कैसे कर रहा है, एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे कैसे जा रहा है। एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे बेसिकली कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट उस सूरत में जाएगा, नंबर वन क्लॉक ट्रांजिशन हो, नंबर टू इनपुट जो एक्सटर्नल इनपुट है उसकी स्टेट अगर एक्स है, जैसा कि हमने अभी देखा अप एंड डाउन काउंटर में एक्स अगर जीरो है तो वो कुछ और कर रहा है, एक्स अगर वन है तो वो कुछ और करेगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्टेट डायग्राम है जिसके डिफरेंट इनपुट्स हैं और डिफरेंट आउटपुट्स हैं। सो एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट पे मूव करता है जब एक्स या वाई या जेड इनपुट जो है वो किसी एक इनपुट पे सेट हुए हैं। वो दूसरी स्टेट से एक तीसरी स्टेट पे मूव कर जाता है जब इनपुट कंडीशंस कुछ और हैं। जब वो एक कंडीशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करता है हो सकता है आउटपुट्स भी चेंज हो। इसी तरह दूसरी स्टेट से जब तीसरी स्टेट पे मूव करता है अगेन हो सकता है कि आउटपुट्स भी चेंज हो जाएं। अब ये पॉसिबल है कि एक आप स्टेट मशीन बना रहे हैं जिसकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेट्स से 10-15 के करीब स्टेट्स हैं। हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि लेट्स सपोज स्टेट 5 से स्टेट 8 पे जा रहा है और एक दूसरे कंडीशन में स्टेट 9 से स्टेट 8 पे जा रहा है। अगर स्टेट 5 से स्टेट 8 पे जाता है और स्टेट 9 से स्टेट 8 पे जाता है, दोनों केसेस में जो इनपुट कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल हैं, दोनों केसेस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी आइडेंटिकल है, और अगर दोनों केसेस में आउटपुट भी सेम है सो हम जो दो इनिशियल स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट को खत्म कर सकते हैं उसमें। बेसिकली दोनों आइडेंटिकल स्टेट्स हैं तो बेसिकली रिपीटेशन हो रही है। अब अगर हम स्टेट्स जो हैं कुछ एलिमिनेट कर लें क्योंकि वो आइडेंटिकल स्टेट्स हैं तो उससे फायदा क्या होगा? बेसिकली आपका स्टेट डायग्राम जो है वो छोटा हो जाएगा, उसमें स्टेट्स कम रह जाएंगी। स्टेट जब कम होंगी तो बेसिकली और क्या होगा, स्टेट वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। लेट अस सपोज के आपका इनिशियल जो स्टेट डायग्राम है उसमें 8 स्टेट्स हैं, सो 8 स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 3 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए, सो 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। अगर आप स्टेट डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं, उनमें जो कॉमन स्टेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दें, तो लेट अस अज्यूम कि आपका जो स्टेट डायग्राम है उसमें 6 स्टेट्स रह जाती हैं, ठीक है। तो अब 6 स्टेट्स के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए? 3 चाहिए। सो उसमें स्टेट वेरिएबल उतने ही रहे जो पहले थे, 8 स्टेट थी अब 6 हो गई, तो स्टेट वेरिएबल्स में फर्क नहीं आया। लेट अस सपोज के मजीद रिडक्शन से आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 4 हो जाते हैं। सो 4 जो है बेसिकली आपको दो स्टेट वेरिएबल्स चाहिए, सो 00 एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, 01 दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, 10 तीसरी को, और 11 जो है चौथी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप जो आइडेंटिकल स्टेट्स हैं उनको किसी तरह आप एलिमिनेट कर पाते हैं और आपका स्टेट्स जो है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो रिड्यूस 8 से 6, 6 से 4 हो जाते हैं, तो आपको बजाय 3 फ्लिप फ्लॉप्स के 2 फ्लिप फ्लॉप से आपका सर्किट बन सकता है उसमें। सो ये देखते हैं कि ये स्टेट रिडक्शन जो है इससे क्या फायदा होगा। फायदा तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो कम हो जाएंगे, जब फ्लिप फ्लॉप्स कम होंगे तो आपका सर्किट जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल को देखते हैं, एक स्टेट डायग्राम को देखते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्टेट्स आइडेंटिकल हैं और किन स्टेट्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो स्टेट डायग्राम है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाए। डायग्राम में एक स्टेट डायग्राम दिखाया गया जो कि एक हाइपोथेटिकल मशीन का है, किसी काउंटर का या किसी स्पेसिफिक सिक्वेंशियल सर्किट का नहीं है। इसमें हम पहले मालूम करेंगे कि कितनी स्टेट्स हैं, किन इनपुट्स पे कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, आउटपुट्स में क्या फर्क आ रहा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद हम मालूम करेंगे इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जो आइडेंटिकल हैं और जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है। सो पहले जैसे नजर आ रहा है डायग्राम में स्टेट्स जो इधर दिखाई गई वो हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, सो टोटल 7 हैं। सो इस सीक्वेंशियल सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसकी 7 स्टेट्स हैं बेसिकली 3 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। सो 000 से लेके आप रिज्यूम कर सकते हैं कि ये 110 तक जाएगा। अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि जो स्टेट ए है वो 00 है या 001 है, हम सिंपली एक सिंपल उसको एक नंबर असाइन करते हैं, लेट अस सपोज ए है, सेकंड जो स्टेट है बी है, इसी तरह तीसरी स्टेट डी, उसके बाद चौथी डी आ जाएगी, फिर ई एफ और फिर जी। अब स्टेट ए बी में, स्टेट ए अगर प्रेजेंट स्टेट है तो वो स्टेट बी में एरो के साथ लिखा हुआ। सो बेसिकली 1 जो है वो बता रहा है एक्सटर्नल इनपुट कंडीशन। अगर स्टेट ए प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट कंडीशन 1 है, क्लॉक ट्रांजिशन हुआ, तो अब आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट क्या है? बी। 1/0 जो वो बता रहा है आउटपुट। सो ए स्टेट से जब आप बी स्टेट में मूव करेंगे, जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट बी चेंज हो रहा है, 0 आउटपुट हो रहा है। अब बी स्टेट को अगर आप देखें, बी स्टेट में एक एरो दिखाया गया जो बी स्टेट से शुरू होता है और उधर ही खत्म हो रहा है। इसका जो इनपुट कंडीशन है दैट मींस बी अगर प्रेजेंट स्टेट है, एक्सटर्नल इनपुट 0 है, सो नेक्स्ट स्टेट भी बी रहेगी, किसी और दूसरी स्टेट पे ये मूव नहीं हो रहा या स्विच नहीं हो रहा। उस केस में जो आउटपुट जो कंडीशन है या आउटपुट जो स्टेट है वो 1 है, सो इनपुट कंडीशन अगर 0 है आउटपुट 1 होगी और स्टेट चेंज नहीं होगी, बी स्टेट है, बी नेक्स्ट स्टेट रहेगी। अगर इनपुट कंडीशन 1 है तो आउटपुट भी 1 होगी, प्रेजेंट स्टेट बी से स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेट सी पे, जैसा कि डायरेक्टेड एरो के साथ दिखाया गया है, बी और सी स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें 1 लिखा हुआ है।
स्टेट सी अगर प्रेजेंट स्टेट है, सो अगर इनपुट एक्सटर्नल इनपुट जीरो है, आउटपुट जीरो होगा और आप स्विच कर जाएंगे सी स्टेट से ए की तरफ, और अगर एक्सटर्नल इनपुट वन है, आउटपुट भी वन होगा और स्टेट सी से प्रेजेंट स्टेट से स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे, स्टेट एफ पे। अब अगर स्टेट एफ को देखा जाए, स्टेट एफ के दो आउटपुट्स हैं, दैट मीन्स एफ स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जो है ई हो सकती है या डी हो सकती है। स्टेट एफ जो है फाइनल स्टेट है या नेक्स्ट स्टेट है, इसकी इनिशियल स्टेट जो है या प्रेजेंट स्टेट है वो स्टेट ए है, दूसरी जो स्टेट है वो स्टेट सी है। सो अगर एफ स्टेट को प्रेजेंट स्टेट समझा जाए, एक्सटर्नल इनपुट अगर वन है, आउटपुट जीरो होगा और नेक्स्ट स्टेट जो है वो ई। एफ अगर प्रेजेंट स्टेट है, एक्सटर्नल इनपुट जो जीरो है, आउटपुट जीरो होगा और नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो डी हो जाएगी। इसी तरह बाकी स्टेट्स डी ई एंड जी के लिए ये सिर्फ याद रहे कि जो डायरेक्टेड एरो के साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं, पहला जो नंबर है वो इनपुट कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा है और ऑब्लिक के बाद जो सेकंड जो आउटपुट है उसको स्पेसिफाई कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक ही एक्सटर्नल इनपुट और एक ही एक्सटर्नल आउटपुट है। पॉसिबल हो सकता है और है सीक्वेंशियल सर्किट्स में कि मल्टीपल इनपुट्स हों और मल्टीपल आउटपुट्स हों। सो लेट अस सपोज कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंशियल सर्किट का जिसका ये स्टेट डायग्राम दिखाया गया, दो इनपुट्स होते, दो एक्सटर्नल इनपुट्स होते और दो एक्सटर्नल आउटपुट्स होते, तो जो डायरेक्टेड एरो के साथ एक्सप्रेशन दिखाई गई है उधर दो डिजिट्स होते, उसके बाद ऑब्लिक होता और उसके बाद दोबारा से दो डिजिट्स होते। सो पहले दो डिजिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते दो एक्सटर्नल इनपुट्स, ऑब्लिक के बाद जो दो डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते टू बिट आउटपुट। अभी हमने एक स्टेट डायग्राम देखा जो कि एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंशियल सर्किट का है, सात स्टेट्स हैं, एक्सटर्नल इनपुट भी एक है और एक आउटपुट भी है। सो अगर प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे या उसी स्टेट पे रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इनपुट। कुछ केसेस में जीरो है तो उसी स्टेट में रह रहे हैं, कुछ केसेस में वन है तो उसी स्टेट में रह रहे हैं। अगेन कुछ केसेस में अगर एक्सटर्नल इनपुट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं, और कुछ केसेस में अगर एक्सटर्नल इनपुट वन है तो फिर नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं। इसी तरह जो आउटपुट्स हैं वो भी वेरी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस, हमने जैसे बताया कि ये एक एग्जांपल है, एक हाइपोथेटिकल मशीन है, हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस है। लेट अस सपोज के जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो स्टार्ट होता है, रीसेट होता है स्टेट ए से, उसके बाद एक सीक्वेंस के थ्रू फॉलो होता है और अल्टीमेटली ए पे वापस सीक्वेंस हो सकता है, ए बी सी जी एफ ई डी जो भी है। सो अल्टीमेटली ए से शुरू होगा और एंड में ए तक। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हैं, स्टेट डायग्राम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट टेबल की फॉर्म में। स्टेट टेबल की मदद से हम कोशिश करते हैं कि इनमें जो कॉमन स्टेट्स हैं, जो आइडेंटिकल स्टेट्स हैं, उनको देखा जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। हम जो कॉमन स्टेट्स हैं या जो आइडेंटिकल स्टेट्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास एक सिंप्लीफाइड स्टेट टेबल आ जाएगा। जो सिंप्लीफाइड स्टेट टेबल आएगा स्टेट डायग्राम बनाया जिसमें कम स्टेट्स को एलिमिनेट कर दिया। अब एक सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम होगा, उस स्टेट को हम ज़हन में रखते हुए वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है जो मैंने अभी बताया कि ए स्टेट से बी पे जाएगा, सी पे फिर वो सीक्वेंस करता हुआ वापस ए पे आ जाएगा, वो हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम है क्या वो यही सीक्वेंस चला सकता है प्रॉपरली कि नहीं। अगर चला सकता है दैट मीन्स सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम वही काम कर रहा है जो कि ओरिजिनल स्टेट डायग्राम कर रहा है। सो आइए देखते हैं सीक्वेंस क्या है, उसके बाद हम स्टेट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट टेबल। आइए देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंस। इनिशियल जो स्टेट है वो है स्टेट ए, इनपुट एक्सटर्नल इनपुट वन है, आउटपुट जीरो हो जाएगा और ये मूव कर जाएगा स्टेट बी की तरफ। बी जो है अब ये प्रेजेंट स्टेट होगी, अगर एक्सटर्नल इनपुट वन है, आउटपुट वन होगा और ये स्विच कर जाएगा स्टेट सी पे। स्टेट सी जो है अब प्रेजेंट स्टेट होगी, पहले नेक्स्ट स्टेट थी प्रेजेंट है, सो अगर एक्सटर्नल इनपुट वन है, आउटपुट वन होगा और अब नेक्स्ट पे स्विच कर जाएगा स्टेट एफ। एफ जो है अगेन एक्सटर्नल इनपुट अगर जीरो है, आउटपुट जीरो होगा, स्विच कर जाएगा स्टेट डी पे। अब स्टेट डी जो है वो प्रेजेंट स्टेट होगी, एक्सटर्नल इनपुट अगर वन है, आउटपुट जीरो होगा और ये उसी स्टेट पे रहेगी, दैट मीन्स डी स्टेट पे ही रहेगी। अब डी स्टेट जो है अगेन प्रेजेंट स्टेट है क्योंकि चेंज नहीं हुई, अगर इसका इनपुट जीरो है, आउटपुट वन होगा, तब ये चेंज करेगी, स्विच करेगी नेक्स्ट स्टेट पे स्टेट ई पे। सो जैसा कि इधर दिखाया गया, अगर एक्सटर्नल इनपुट वन है, आउटपुट जीरो होगा, स्टेट जो है नेक्स्ट स्टेट पे चेंज नहीं जाएगा, नेक्स्ट स्टेट यही ओरिजिनल स्टेट होगी, और अगर एक्सटर्नल इनपुट जीरो है तब ये स्टेट डी से प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट ई पे स्विच करेगा। इसी तरह ई से और आउटपुट वन ओवर्स हो जाएगा, इसी तरह से डी पे स्विच करता है, डी से ई, ई से ए से एफ, एफ से डी से ई पे स्विच कर रहा है जब डी एक्सटर्नल इनपुट जो है वो जीरो है, आउटपुट वन होगा और उससे ई पे स्विच कर रहा है। ई का जो एक्सटर्नल इनपुट है जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा और ये वापस स्टेट ए पे चला जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस जो है डिफरेंट स्टेट्स का दिखाया गया है, ओरिजिनली ए से स्टार्ट होता है और ये स्विच करता करता वापस ए पे जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट टेबल। ये नेक्स्ट स्टेट टेबल जो है जो स्टेट डायग्राम है उससे ही डिराइव किया गया हुआ है। सो स्टेट डायग्राम की जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन वो नेक्स्ट स्टेट टेबल में दिखाई गई है। सो जैसा कि नजर आ रहा है, पहला जो कॉलम है वो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट स्टेट। सो प्रेजेंट स्टेट्स जो है ए बी सी डी ई एफ एंड जी है। नेक्स्ट जो दो कॉलम्स हैं नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट जो है डिपेंड कर रही है एक्सटर्नल इनपुट पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू वन हो सकता है। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फिर प्रेजेंट स्टेट अगर ए है तो नेक्स्ट स्टेट एफ होगी, अगर
एक्सटर्नल इनपुट 1 है, सो प्रेजेंट स्टेट अगर ए है तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो बी होगी। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट बी है, एक्सटर्नल इनपुट 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो ये b पे ही रहेगा, नेक्स्ट स्टेट भी b होगी। अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है सो प्रेजेंट स्टेट b से स्विच करके c पे चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट स्टेट c, d, e, f एंड g के लिए एक्सटर्नल इनपुट x इज इक्वल टू 0 के लिए स्टेट्स डिफाइन की गई हैं a, e, a, d, d। प्रेजेंट स्टेट c, d, e, f, g के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है जब एक्सटर्नल इनपुट x इज इक्वल टू 1 है डिफाइन की गई है f, d, g, e एंड a। जैसा कि हमने स्टेट डायग्राम में देखा, आउटपुट्स भी चेंज हो रहे हैं, डिपेंड करते हैं कि प्रेजेंट स्टेट है और एक्सटर्नल इनपुट क्या है। सो अगेन प्रेजेंट स्टेट ए से लेकर जी तक चेंज हो रहा है। अगर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल इनपुट जो अगर 0 है तो आउटपुट्स जो हैं वो हर स्टेट के लिए डिफरेंट हैं, तो वो दिखाए गए हैं आउटपुट कॉलम में, एक्स इज इक्वल टू 0 वाले कॉलम में, तो आउटपुट 0 1 0 0 0। इसी तरह हर प्रेजेंट स्टेट के लिए अगर एक्स जो है एक्सटर्नल इनपुट जो है 1 हो जाए तो आउटपुट्स भी डिफरेंट होंगे। सो प्रेजेंट स्टेट्स ए से लेके जी तक आउटपुट्स जो हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 वो हैं 0 1 1 0 1 0 0। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अगर एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे स्विच किया जा रहा है और एक तीसरी स्टेट से अगेन दूसरी स्टेट पे स्विच किया जा रहा है फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स भी वही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली स्टेट है और जो तीसरी स्टेट है वो आइडेंटिकल है। इस नेक्स्ट स्टेट टेबल में अगर देखा जाए आखिरी दो स्टेट जो हैं प्रेजेंट स्टेट एफ एंड प्रेजेंट स्टेट जी, अगर इनपुट एक्सटर्नल इनपुट एक्स 0 है तो नेक्स्ट स्टेट जो है एफ से डी पे स्विच कर रहे हैं और इसी तरह जी से भी डी स्विच कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट स्टेट एफ है या प्रेजेंट स्टेट जी है, एक्सटर्नल इनपुट एक्स इज इक्वल टू एफ से चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पे ई। इसी तरह अगर जी प्रेजेंट स्टेट है, एक्स इज इक्वल टू 1 एक्सटर्नल इनपुट, तो स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट ई पे। सो दोनों केसेस में x 0 हो x 1 हो नेक्स्ट स्टेट जो है डी या ई है। आइए देखते हैं आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। अगर प्रेजेंट स्टेट f है, एक्सटर्नल इनपुट x इज इक्वल टू 0 तो आउटपुट 0 है, अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है तब भी आउटपुट 0 है। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट g को देखा जाए, अगर एक्सटर्नल इनपुट x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दोनों केसेज में आउटपुट अगेन 0 और 0 है। सो स्टेट f और g आइडेंटिकल है। सो अब क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों स्टेट में से एक को एलिमिनेट कर देंगे। सो नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाया गया, नेक्स्ट स्टेट टेबल दिखाया गया, उसमें हमने जी स्टेट को एलिमिनेट कर दिया। अब जी स्टेट जहां जहां भी पहले लिखी गई है उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्टेट एफ से। सो अगर आप प्रेजेंट स्टेट ई को देखें, उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है जब एक्स इज इक्वल टू 1 तो वो स्विच कर जाता है जी को। अब जी को क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया एफ के साथ, सो नेक्स्ट स्टेट टेबल में उधर एफ नजर आ रहा है जी के बजाय। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट टेबल को, जहां 6 स्टेट्स दिखाई गई हैं। सो ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। जी जो है वो एलिमिनेट होगी क्योंकि वो आइडेंटिकल है स्टेट एफ के। आइए इस नए स्टेट टेबल में देखते हैं कि इनमें कौन सी स्टेट्स कॉमन है या आइडेंटिकल है। अगर आप प्रेजेंट स्टेट सी को देखें और प्रेजेंट स्टेट ई को देखें, ये बेसिकली आइडेंटिकल है दोनों केसेस में। अगर प्रेजेंट स्टेट सी है, एक्स जो एक्सटर्नल इनपुट है वो 0 हो, एक्स जो एक्सटर्नल इनपुट है वो 1 हो जाए, सी से या ए नेक्स्ट स्टेट होगी या एफ नेक्स्ट स्टेट होगी। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट ई है, एक्सटर्नल इनपुट एक्स 0 हो जाए या एक्सटर्नल इनपुट एक्स 1 हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेट या ए होगी या एफ होगी। अब देखते हैं जरा आउटपुट की तरफ। अगर प्रेजेंट स्टेट सी है, सिर्फ 0 हो जाए तो आउटपुट 0 है, एक्स इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 है। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट ई है, एक्स इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट 0 है, एक्स इनपुट अगर 1 है आउटपुट भी 1 है। सो हर सूरत में प्रेजेंट स्टेट सी आइडेंटिकल है प्रेजेंट स्टेट ई के। सो अब इनमें से किसी एक को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो सी को रहने देते हैं, स्टेट ई को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ई जहां जहां भी लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्टेट सी से। सो जो नेक्स्ट स्टेट टेबल है उसमें एलिमिनेट हो गई है स्टेट ई और ई की जगह स्टेट सी दिखाई गई है। डायग्राम में एक तीसरा नेक्स्ट स्टेट टेबल दिखाया गया जिसमें सिर्फ 5 स्टेट्स दिखाई गए। इसमें स्टेट ई एलिमिनेट हो गई क्योंकि वो आइडेंटिकल है स्टेट सी के। सो प्रेजेंट स्टेट्स हैं ए, बी, सी, डी एंड एफ। अभी हमने स्टेट टेबल की मदद से कुछ जो आइडेंटिकल स्टेट्स थी वो हमने एलिमिनेट की। ओरिजिनल जो स्टेट टेबल था उसमें 7 स्टेट्स थी, जी जो थी वो आइडेंटिकल थी स्टेट एफ के, सो हमने जी स्टेट को एलिमिनेट कर दिया। जो दूसरा हमारे पास स्टेट टेबल आया उसमें 6 स्टेट्स रह गई, उसमें हमने देखा सी एंड ई जो है वो कॉमन है, उनमें से भी हमने ई को एलिमिनेट कर दिया। जो आखिरी हमारे पास स्टेट टेबल आया उसमें 5 स्टेट्स बच गए। अब ये 5 स्टेट्स हैं इनमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। अब क्या करेंगे, बेसिकली इस स्टेट टेबल की मदद से हम वापस एक स्टेट डायग्राम बनाएंगे जिसमें ऑफ कोर्स 5 स्टेट रह जाएंगे। अब ये जो स्टेट डायग्राम आ जाएगा उसके बाद वो होता है और डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू वापस ए पे जा रहा है। अब हमने ये देखना है कि
जो यही सीक्वेंस है अगर दोबारा चलाएं इस रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम पे जिसकी 5 स्टेट्स हैं, तो उसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स चेंज नहीं होने चाहिए। स्टेट्स जो मर्जी हो, 5 स्टेट्स रह गई हैं 7 की जगह, बट आउटपुट्स और इनपुट्स वही होंगे जो ओरिजिनल केस में थे। आइए देखते हैं स्टेट डायग्राम जो कि इन 5 स्टेट्स की मदद से बना हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो क्या प्रॉपरली चल रहा है इस पे कि नहीं। डायग्राम में एक नया स्टेट डायग्राम दिखाया गया जिसकी 5 स्टेट्स हैं, इनमें से 2 स्टेट्स हैं वो एलिमिनेट हो गई हैं। अगेन ओरिजिनल जो स्टेट है वो ए है, ए से नेक्स्ट स्टेट जो चेंज होगी बी होगी, डिपेंड करता है एक्सटर्नल इनपुट क्या है। अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है तो बी पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल इनपुट 0 है तो ए से एफ पे चले जाएंगे। इसी तरह बी को अगर देखा जाए, बी अगर प्रेजेंट स्टेट है, एक्सटर्नल इनपुट 0 होगा तो उसी स्टेट पे रहेंगे, अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है तो सी पे चले जाएंगे। इसी तरह बाकी स्टेट्स का भी चेक किया जाए कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या है और इनपुट कंडीशंस क्या होंगे जब नेक्स्ट स्टेट पे स्विच किया जाएगा। आइए उस ओरिजिनल सीक्वेंस को देखते हैं, जो सीक्वेंस था जो 7 स्टेट टेबल पे चलाया था हमने, ए सी एफ डी डी सी एफ डी सी ए एफ डी सी ए, ये ओरिजिनल सीक्वेंस था। अब हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस अगर ये जो नया स्टेट डायग्राम है जिनमें 5 स्टेट्स हैं इस पे अप्लाई किया जाए तो क्या इनपुट्स आउटपुट्स वही आएंगे जो पहले थे। सो लेट अस सी, ओरिजिनल स्टेट ए है, इनपुट और स्विच कर जाएंगे स्टेट बी की तरफ। अब स्टेट बी जो है प्रेजेंट स्टेट है, अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है आउटपुट 1 होगा और स्विच कर जाएंगे स्टेट पे। अब स्टेट सी है, अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है आउटपुट 1 है और नेक्स्ट जो स्टेट है वो एफ है, नेक्स्ट स्टेट एफ जो है प्रेजेंट स्टेट बन गई, अगर इनपुट 0 है आउटपुट 0 होगा स्विच कर जाएंगे स्टेट डी की तरफ। अब जो है वो प्रेजेंट स्टेट है, अगर एक्सटर्नल इनपुट 1 है आउटपुट 0 होगा और ये डी पे किसी और दूसरी स्टेट पे नहीं जा रहा। अगर डी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट 1 होगा और ये स्विच कर जाएगा सी पे, सी स्टेट पे एक्सटर्नल इनपुट अगर आउटपुट स्विच कर जाएगा एफ पे, एफ से डी पे जा रहा है, डी से सी पे जा रहा है, सी से ए पे, फिर एफ पे, फिर डी पे, फिर सी पे और अल्टीमेटली ए पे वापस आ जाता है। अब इस सीक्वेंस में जो स्टेट्स हैं वो तो डिफरेंट हैं ओरिजिनल सीक्वेंस के अगर कंपेयर करें, बट इनपुट आउटपुट्स हर स्टेट पे वही हैं जो पहले थे। सो इसका मतलब है कि वो जो ओरिजिनल 7 स्टेट डायग्राम था वो एक्जैक्टली वही काम कर रहा है जो ये 5 स्टेट डायग्राम कर रहा है। सो दैट मींस वो जो ओरिजिनल सर्किट था जो कि 7 स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करता है उसका काम बिल्कुल आइडेंटिकल है इस दूसरे सर्किट के जिसकी 5 स्टेट्स हैं या 5 स्टेट। अभी हमने एक स्टेट रिडक्शन की एग्जांपल देखी, ओरिजिनल 7 स्टेट्स थी उसको रिड्यूस करते हुए हम 5 स्टेट पे पहुंच गए। ये सारी चीज का क्या बेसिकली फायदा ये हो रहा है कि फ्लिप फ्लॉप्स कम हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फ्लिप फ्लॉप्स कम नहीं हुए क्योंकि 7 वेरिएबल्स चाहिए, 5 स्टेट्स के लिए 3 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। अगर सपोज ये स्टेट जो है 5 से रिड्यूस होकर 4 हो जाते हैं तो फिर हमें 2 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए थे, दैट मींस 3 फ्लिप फ्लॉप की जगह 2 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होता है। इस केस में भी स्टेट्स तो 7 से 5 हुई हैं, स्टेट वेरिएबल्स वही रहे, पर वो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बन रहे हैं जो कि इनपुट कंडीशन को डिटरमिन कर रहे हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अगर इनकी आप बूलियन एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करेंगे बनाएं तो आपको अंदाजा होगा, आपको नजर आएगा कि वो जो इनपुट कंडीशंस हैं वो सिंप्लीफाई हो गए। सो स्टेट रिडक्शन जो है सर्किट को सिंप्लीफाई कर रही है। एक और जो चीज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है स्टेट असाइनमेंट। इस केस में जैसा कि हमने देखा, हमने कोई स्टेट को नंबर्स नहीं दिए थे जैसा कि हमने काउंटर के केस में दिए थे, पहली जो स्टेट थी वो 000 थी, फिर 001 थी। इस केस में हमने सिंपली कहा कि स्टेट ए बी सी डी ई एंड एफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर इनको स्टेट असाइनमेंट जो है ए को लेट्स से 010 कह दें बजाय 000 के, उसका क्या फायदा होगा। नेक्स्ट स्टेट जो है बी उसको हम 110 कहें बजाय 001 के, तो उसका क्या फायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसी स्टेट असाइनमेंट से हम बात शुरू करेंगे। इस लेक्चर का वक्त खत्म हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।